अलीपुर वाले खाटू श्याम। तो अभी इस टाइम मैम एंड ये सारे हैं, मेरी मम्मी है, मेरा भाई है प्रिंस भोगा, एंड ये मेरे मामा है नितीश अभुआ, एंड ये मैं हूँ परी भोगा। गाइज अभी हमने यहाँ से प्रसाद वगैरह लिया है। सॉरी गाइज आपको मेरी आवाज़ में वॉइस भी थोड़ी बोल रही होगी, यानी देरी होगी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे बहुत हल्ला हो रहा है। गाइज अभी यहाँ का माहौल ऐसा है कुछ, गाइज वहाँ पे भी कुछ बन रहा है अभी। एंड अभी गाइज मैं बाहर से इसलिए भी ब्लॉग स्टार्ट करता है क्योंकि गलत बाहर वो नेटवर्क नहीं आ रहा था और बाहर ना रश भी बहुत हो रहा था गाइज, इसलिए मेरा मन कर रहा। तो गाइज हम पूरे अंदर नहीं आए थे अभी, हम थोड़े ही आए थे मतलब अंदर प्रसाद वाली जगह पे। एंड ये प्रिंस ने लिया है रोज, एंड इसने ये लिया टोकरी प्रसाद है ये। और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स आएंगी, टॉयज वगैरह की शॉप है गाइज ये, एंड ये वो है मिठाई की है ये शॉप, एंड सारे। एंड गाइज अभी हमें रास्ता नहीं दिख रहा है यहाँ पर कहाँ है, हमें कहाँ पे जाना है, सो चलते हैं गाइज। गाइस आप भी ज़रूर आना यहाँ पे मंदिर में, ये अलीपुर में है ना, अलीपुर में ये खाटू श्याम है दिल्ली में, आप भी ज़रूर आना यहाँ पे। गाइस अभी तो आपको बहुत अच्छे अच्छे आगे के नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा, मतलब कुछ देख अच्छा देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। गाइस मिलते हैं थोड़ा आगे जाने के बाद। एंड गाइज अभी मतलब थोड़ी देर जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट ही करा था ना गाइज, तो उससे पहले पीछे ना खाटू श्याम बाबा जी के चरण भी आए थे। एंड गाइज मैं आपको जाते टाइम उसके दर्शन करा दूंगी, आपको मैं हर चीज के दर्शन कराऊंगी, सारी जगहों के मैं आपको दर्शन कराऊंगी। और जय गाइज कुछ ऐसा दिखता है अभी तो, अभी तो यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें नहीं है देखने के लिए, अभी आगे आएगी अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए। गाइज यहाँ पे देखिए प्लांट लगा के अच्छे अच्छे। गाइज अब यहाँ पे थोड़ी मतलब देखने वाली अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है, तो मैं आपको तुरंत ही पूछते वहाँ पे। गाइज वो जो आपको वो घंटा दिख रहा है ना, वो घंटा सा वो मतलब ऐसी है। देखो गाइज वहाँ पे ट्रक है कितने छोटे छोटे, प्यारे प्यारे से, क्यूट क्यूट से गाइज। मेरे गाइज गाइज हम अभी आगे जा ही रहे हैं, आपको दिखा देंगे ये को ना। गाइज ये कुछ पंडित जी ट्रक है, और गाइज ये देखिए कितने अच्छे अच्छे ट्रक बना रखे हैं छोटे छोटे से, इसमें दो छोटे छोटे बच्चे आराम से बैठ जाएंगे। एंड गाइस सॉरी आपको मेरी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही होगी। एंड गाइस ये है कुछ अंदर का माहौल, गोरे खाटू श्याम बाबा जी। गाइस पंखा देखो यहाँ का, इतना बड़ा फैन है ये। एंड गाइस हम लोग गलत जगह से आ गए हैं, हमें जाना है उधर और हम लोग आ गए इधर, तो अभी हम जा रहे हैं अपने सही रास्ते पे। एंड गाइस ये देखिए गाइस इंडिया गेट बना रखा है गाइस, मैं आपको फ्रंट से नहीं दिखा सकती। गाइस मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी देखने के लिए, तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी यहाँ पे, जितनी भी देखने के लिए सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी मैं। एंड गाइस यहाँ पे अभी कुछ बन रहा है तो इसलिए थोड़ी। हाँ तो गाइस ये देखिए ऊपर ही जाने का रास्ता है, ऊपर से जाओ यहाँ से नीचे उतर जाओ। एंड गाइस ये देखिए कितना हल्ला हो रहा है गाइस यहाँ पे, तो जीना तो ना जाने का वो यहाँ पे आता, लेकिन ये जीना बंद हो रखा है। एंड गाइस ये कुछ झोपड़ी सी बना रखी है यहाँ पे, वहां पे राधा कृष्ण है।
आपको दिख नहीं रहे होंगे क्लियरली। एंड गाइस अभी हम लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। गाइस यहाँ पे रोज गिरा दिया गया है। गाइस ये है मेरे मामा नितीश अभुआ, कुछ बोलना चाहोगे? ये है आयशा भोगा, कह रही आयशा अभुआ। ये है परी मेंटल। मैं हूँ यशमिता भोगा। जय देख के मन ऐसा तृप्त सा हो गया हमारा कि क्या बताया, मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ, पहली बार आया हूँ और बाबा के दर्शन पाकर मैं इतना धन्य हो गया बहुत ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये हमने 70 रुपये का बाबा के जो प्रसाद लिया है फूल समेत, और इसी के साथ अब थोड़ी सी दूरी पर बाबा बस आने वाले हैं हमारी नज़रों के सामने। देखिए ये सारे घोड़े हैं, ये अभी मैं फ्रंट से दिखा दूँ। गाइस अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको, बस मेरे को थोड़ी सी परेशानी है कि ये पंखा थोड़ा सा है जो ये फैन है धीरे चल रहा है जिसके कारण हमें गर्मी ज़्यादा लग रही है। तो अगर ट्रस्ट हैं यहाँ के लोग, अगर देखा जाए तो पंखे को थोड़ा तेज करें जिससे कि लोगों को गर्मी कम लगे। गाइस मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं कब वहाँ पे जाऊँ और कब खाटू श्याम बाबा जी। थोड़ी सी दूरी पर रह गए हमारे बाबा हमारे सामने आने के लिए। देखिए यहाँ पे राजस्थान वाले से भी अच्छा लग रहा है। राजस्थान वाला तो एक ही बार गया हूँ यार। हाँ गाइस मैं भी राजस्थान वाले में। और हाँ गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं वैसे भी 20 तारीख को बड़े खाटू श्याम राजस्थान मंदिर जा रहा था, तो इसीलिए बाबा ने मुझे अपने छोटे स्थान पर बुला लिया। तो खाटू जी ने अपने दरबार को बुलाया कि बेटा आप यहाँ मेरे मुझे देखो, फिर मेरा आशीर्वाद लो और फिर आप मेरे बड़े स्थान पर आओ। मैं बहुत खुश हूँ कि पापा ने मुझे क्या कैसे भी करके बुलाया। चलो मैं थोड़ा पास आती हूँ। ये हमारी आयशा, ये बहुत प्यारी बच्ची है, ये बहुत ज्यादा प्यारी बच्ची है, बहुत ही ज्यादा प्यारी। एंड ये है मेरी मम्मी। आई एम सो हैप्पी, थोड़ा तेज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। मैं पहले आई थी तो मंदिर बंद था, मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन आज मैं इतनी खुश हूँ कि आज दरबार खुला मिला मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। खाटू नरेश की जय। गाइस मेरी मम्मी थोड़ी इमोशनल हो गई है बोलते बोलते, मिनट में आंसू आ जाते हैं, मिनट में आते हैं, मिनट में रोते ऐसे को रोते निकल जाते हैं। एंड गाइस हम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गए। देखिए गाइस यहाँ पे भैया जा रहे हैं, भैया ये भोग का प्रसाद आगे जाया जा रहा है मामा। एंड ये है हमारी गौ माता, इनके दर्शन कर लीजिए। एंड ये हमारी गौ माता को हवा कर रहे हैं। एंड गाइस ये देखिए सारे फ्लावर्स यहाँ पे रख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये खाटू श्याम है। गाइस अब बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं। एंड गाइस ये है हमारे, ये हमारे गणपति पप्पा जी, पप्पा है, मैं तो लाइन से लगी हो गई। ये बप्पा है, गाइस आगे वो जो वॉचमैन देख रहे हो ना, वो ना वीडियो, वो वीडियो नहीं बनाने देंगे गाइस, इसलिए आप सॉरी बोल रही हूँ मैं आपको। गाइस फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। गाइस वो वॉचमैन अंकल मुझे देख रहे हैं। गाइस वो रे बाबा, कूलर की आ रही है हवा। एंड गाइस हमारे बोले खाटू श्याम बाबा जी, गाइस पता नहीं बोल खाटू मेरे आशिकी। ऐसे है खाटू श्याम बाबा जी, ऐसे आपको दिखी रहे होंगे, यहाँ के अंकल है बस मैनेजर एंड वो आंटी हैं, ये अंकल हैं। नहीं देखे वैसे यहाँ दरबार की सेवा करते हैं।
गाइस यहाँ पे ये प्रसाद मिला है एंड ये रहे खाटू श्याम बाबा जी। सारे दर्शन करके आगे बढ़ो गाइस। यहाँ पे मेरी मम्मी गाइस मैंने यहाँ पे मत्था टेक लिया है गाइस। अब हम जा रहे हैं आगे। गाइस यार बाबा मुझे नहीं पता ये कौन सा बाबा है। गाइस अगर आपको पता होगा आप इसका गाइस ये महनुमान जी है मेरे गाइस। देखिए कितना बड़ा। गाइस हमारे दर्शन तो हो चुके हैं, अब कहाँ पे जाना है? एंड गाइस सॉरी गाइस मेरा थोड़ा कैमरा उल्टा हो गया था, मुझे पता नहीं था गाइस। एंड गाइस यहाँ पे भी बहुत अंधेरा हो रहा है, ये मतलब उनके पीछे का दरबार है गाइस पीछे से भी। और गाइस यहाँ पे इसके आगे बैठे हैं खाटू श्याम बाबा जी। गाइस देखिए यहाँ से ये रही किसु हाय करो हाय गाइस। ये थोड़ी रुसी भी है गाइस, इससे क्यों कोई बात नहीं कर रहा है। मैं स्कूल गाइस ही देखिए इसे, ये देखो क्या हो गया आपको, क्या हो गया? दर्शन कर लो बाबा क्या भाई। किस भाई रुस गई है कह रही मुझे नहीं चलाया वहाँ पे। गाइस अभी थोड़ी बच्ची है ना इसलिए वो रुक जाती है। एंड गाइस अब यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं, हमने यहाँ पे अब हम और आगे जाएंगे। हम यहाँ मतलब यहाँ पे घर बनाते हैं, तो अभी यहाँ पे कोई ईंट पत्थर तो है नहीं जिससे हम बना ले अपना घर। गाइस ये देखो कितना बड़ा घर है, वाओ। एंड गाइस यहाँ पे किस्सू भी चला रही है गाड़ी, कार चला रही है वो रेड वाली। प्रिंस का है वो दिख नहीं रहा। आयशा एंड गाइस यहाँ के लोगों ने मुझे मना कर दिया बैठने से यहाँ पे, ये बड़ी है ना थोड़ी इमोशनल है। अरे बस कब है, अरे बस बहुत है, तू बाइक पे अच्छा रहेगा। किसु यहाँ पे खड़े हो ना, आपने झूला नहीं अभी? यहाँ पे ना कोई भी मत आना, यहाँ पे झूलने भी नहीं दिया उन्होंने गाड़ी। गाइस यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कार आएंगी, फिर भी देखो गाइस वो कितनी बड़ी कार है। एंड गाइस हम अब से है ना किसी को नहीं लाएंगे, ये बहुत जिद करती है। क्या हो गया प्रिंस, पी लिया? आयशा के तो गाइस डबल मजे हो गए क्योंकि इन्हें दो दो बार झूल लिया। एंड गाइस ये है लक्ष्मण झूला। एंड गाइस ये है बोट, ये बोट है गाइस, पता नहीं इसके ऊपर चढ़ सकते हैं नहीं चढ़ सकते हैं, डोंट नो। एंड यहाँ पे गाने चल रहे हैं। काश गाइस मेरी हाइट थोड़ी छोटी होती, मैं झूल लेती गाइस कार में। एंड गाइस वहाँ पे है एरोप्लेन, हम आपको दिखाएंगे। देखो गाइस पीछे का एरोप्लेन का आपको दिख रहा होगा। एंड मम्मा आप झूला कहाँ पे दिखा रहे थे? झूले तो ज़्यादा ज़्यादा टाइम, तो अभी हम जाएंगे। गाइस ये मामा यहाँ पे बैठ गए हैं क्योंकि बहुत थक गए हैं पैसे दे दे के। तो मामा का लगा हुआ नंबर 175 रुपए का, इसलिए टेंशन मत लो, ये सब बातें नहीं होती। चलो आयशा गाइस देखिए ये कितनी बड़ी कार है, मैं इसमें बैठ सकती थी, उन्होंने मुझे बिठाया नहीं, इतनी गुस्सा आ रही है। एंड गाइस यहाँ पे अभी कुछ बन रहा है, आई डोंट नो क्या बन रहा है। एंड गाइस आपको मैं आपको एरोप्लेन दिखाऊंगी, जहाज। एंड गाइस वहाँ पे झूले भी आएंगे। एंड गाइस ये रहा कैमल ऊंट। एंड यहाँ पे गाइस थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हल्ला हो रहा है।
गाइस एक तो मेरा फर्स्ट व्लॉग है, ऊपर से सारे मुझे देख देख के मतलब हंस रहे हैं। गाइस की कितनी आदत नहीं है ना कि फर्स्ट व्लॉग है। एंड गाइस अभी मैं आपको दिखाऊंगी एरोप्लेन, थोड़ा हम पास जाएंगे तो मैं आपको एरोप्लेन भी दिखाऊंगी गाइस, लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगी मैं आपको एरोप्लेन। आई लव यू। ये देखिए गाइस यहाँ पे कैमल, कैमल पे झुला दो ना, कैमल पे तो झूल सकती हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझे मना कर दिया बैठने से, यहाँ पे तो ये बड़ी है ना, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। अरे बस कल है, अरे बस बहुत है, तू पार्क में अच्छा लगेगा। किसु यहाँ पे खड़े हो ना, आपने झूला नहीं अभी। यहाँ पे ना कोई भी मत आना, यहाँ पे झूला झूलने भी नहीं दिया उन्होंने। गाइस यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कार आएंगी, फिर भी देखो गाइस वो कितनी बड़ी कार है। एंड गाइस हम अब से है ना किसी को नहीं लाएंगे, ये बहुत जिद करती है। क्या हो गया प्रिंस पी लिया? आयशा के तो गाइस डबल मजे हो गए क्योंकि इन्हें दो दो बार झूल लिया। एंड गाइस ये है लक्ष्मण झूला, एंड गाइस ये है बोट, ये बोट है गाइस, पता नहीं इसके ऊपर चढ़ सकते हैं नहीं चढ़ सकते हैं, डोंट नो। एंड यहाँ पे गाने चल रहे हैं, काश गाइस मेरी हाइट थोड़ी छोटी होती मैं झूल लेती गाइस कार में। एंड गाइस वहाँ पे है एरोप्लेन, हम आपको दिखाएंगे। देखो गाइस पीछे का एरोप्लेन का आपको दिख रहा होगा। एंड मम्मा आप झूला कहाँ पे दिखा रहे थे? झूले तो उधर जाते टाइम, तो अभी हम जाएंगे। गाइस ये मामा यहाँ पे बैठ गए क्योंकि बहुत थक गए हैं पैसे दे दे के। तो मामा का लगा हुआ नंबर 175 रुपए का, इसलिए टेंशन मत लो, ये सब बातें नहीं। चलो आयशा गाइस देखिए ये कितनी बड़ी कार है, ये इसमें बैठ सकती थी, इन्होंने मुझे बिठाया है, इतनी गुस्सा आ रही है। एंड गाइस यहाँ पे अभी कुछ बन रहा है, आई डोंट नो क्या बन रहा है। एंड गाइस आपको मैं अभी मैं आपको एरोप्लेन दिखाऊंगी, जहाज। एंड गाइस वहाँ पे झूले भी आएंगे। एंड गाइस ये रहा कैमल ऊंट। एंड यहाँ पे गाइस थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हल्ला हो रहा है। गाइस एक तो मेरा फर्स्ट व्लॉग है, ऊपर से सारे मुझे देख देख के मतलब हंस रहे हैं। गाइस की कितनी आदत नहीं है ना कि फर्स्ट व्लॉग है। एंड गाइस अभी मैं आपको दिखाऊंगी एरोप्लेन, थोड़ा हम पास जाएंगे तो मैं आपको एरोप्लेन भी दिखाऊंगी गाइस, लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगी मैं आपको एरोप्लेन। आई लव यू। ये देखिए गाइस यहाँ पे कैमल, कैमल पे झुला दो ना, कैमल पे तो झूल सकती हूँ। एंड गाइस आगे का पार्ट आपको मिलेगा पार्ट 2 में देखने को। बाय।